इस प्रोग्राम दे प्रयोजक हन सुधीर स्वीट्स सेंट्रल टाउन फगवाड़ा। सुधीर स्वीट्स का नाम किसी जान पहचान दा मुथाज नहीं है, क्योंकि सुधीर स्वीट्स का नाम इन्हां दी शुद्धता अते स्वाद लई पूरे इंडिया विच नंबर एक ते है। इत्थे खास जिक्र जोग है कि सुधीर स्वीट्स का कलाकंद अते वेसन इन्ना ज्यादा मशहूर है कि जदों कदे किसे फिल्मी स्टार जां भारत दियां उच्च शख्सियतां पंजाब विच आउण तां सुधीर स्वीट्स दे कलाकंद दा आनंद जरूर माणदे हन। इत्थे ए वी दस दिए कि डेरा बाबा मुराद शाह जी नकोदर विखे जो वेसन दा प्रसाद दरबार विखे छुड़ाया जांदा है, ओ इसे सुधीर स्वीट्स फगवाड़ा वल्लों ही तैयार कीता जांदा है। श्री आशीष गुप्ता जी छोटी उमरे ही वड्डियां पुलांगा पुट्टन वाले इंसान सन। आप जी बहुत ही ईमानदार बिरती दे मालिक सन। आप जी ने अपने काम विच खूब मेहनत कीती अते खूब नामना खटिया। आपने अपने बिजनेस नु उच्च बुलंदियां ते पहुंचाया। श्री आशीष गुप्ता जी परमात्मा दे कार प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। आप जी गरीबां अते दीन दुखियां दे मसीहा सन अते हमेशा ही हर एक दी मदद लई त्यार बर त्यार रिहा करदे सन। आप जी बहुत ही मिठी बाणी दे मालिक सन अते अपनी मिठी बोली नाल हर एक नु अपनी तरफ खिंचण दी शक्ति आप जी विच मौजूद सी। श्री आशीष गुप्ता जी वड्डियां दा सतिकार करन वाली अते छोटियां नु प्यार करन वाली शख्सियत सन। श्री आशीष गुप्ता जी हुणां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उनां दे समूह परिवार वल्लों आशीष कॉन्टीनेंटल जीटी रोड फगवाड़ा विखे करवाया गया।
श्री आशीष गुप्ता जी इशारां दे इशार सन। आज दा सुधीर स्वीट्स दे मालिक श्री अमित सुधीर जी नाल गहरा मोसी, जिस करके आप जी दे जानते श्री अमित सुधीर जी वल्लों गहरे दुख दा प्रगटावा कीता गया। मैं अमित सुधीर, सुधीर स्वीट सेंटर टाउन फरवाड़ा तो अज बहुत ही मन दुखी होया जदों गुप्ता जी बारे पता लगा। मेरे बहुत ही दिल दे करीब सी हो, जदों भी किसी तरह की कोई भी एज ए बिजनेस परपज के साथ या कोई होर भी कोई सलाह लेनी होंगी सी तो सब तो पहला मेरे दिमाग से कोई नाम आता सी उन्हां दा। तो अज उन्हां तो बाद मन बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो एक ऐसी रूह सी जो एक गरीब तबके लिए या किसी लिए भी सब तो पहला आके वो खड़े होंदे सी, किसी तरह का भी कोई काम होंदा सी उन्हां दे करके होंदा सी। ते वो तो उन्होंने वर्ड्स नहीं आ जो उन्होंने फगवाड़े नूं जो देन देती है वो एक क्रांति लैके आ गए सी एक बिजनेस दे विच। ते इन्नी छोटी उम्र दे विच इन्नी वड्डी प्राप्तियां करनियां कोई काम शख्सियत दे बसदा रूप नहीं, वो एक परमात्मा रूपी इंसान सी। मेरे को वर्ड्स नहीं आते पे, मैं एक चंगी रूह के बारे सोच के बोलना मेरे लिए मेरे लिप्स फंबल हो रहे हैं, मेरे को अंदरों आवाज़ नहीं निकल रही उन्होंने बारे बोलने लिए कि जे चंगिया रूहां परमात्मा पता नहीं क्यों इन्नी जल्दी बुला लैंदा अपने को। और वो आम इंसान दे विच नहीं सी, वो कोई परमात्मा की ऐसी देन सी जिन्होंने फगवाड़े दे कोई भी गरीब तबका या किसी तरह की किसी तू भी किसी तरह की लोड़ होंगी सी वो सब तो पहला आके खड़े होंगे सी, वो चाहे बाय हुक होवे बाय क्रुक होवे बाय ठुक होवे तां उन्हां दा बहुत ही ज़्यादा योगदान हुंदा सी हर चीज़ के विच। फगवाड़ा छोटो फगवाड़े के किसी शहर के भी लुधियाना जलंधर किसी तरह की किसी जगह भी होगी किसी ने भी जरूरतमंद होंगे सी तो वह सब तो पहला आगे खड़े सी। आम एक इंसान लई वह एक परमात्मा रूपी देन सी जो मतलब अज साडे नेड़े तेड़े नहीं है पर उन्होंने कितने ना कि रूह साडे आले दुआले है सानू ब्लैस कर रही है तो साडे नाल हमेशा रहूगी, उन्होंने गल्लां साडे नाल हमेशा रहूगियां, उन्होंने जो विचार सी जो उन्होंने काम करन दा तरीका सी जां उन्हां नूं समझाउण दा जो सानूं समझाते सी जे जिहड़े वर्ड्स उन्हां दे वर्ड्स सी हमेशा साडे दिल दे विच रहूंगे। और परमात्मा उन्हां नूं उन्हां दी कृपा रखे ते उन्हां दे परिवार नूं बल बख्शे कि वह जिंदगी अगे ठीक कर सकन ते उन्हां नूं हौसला दे।